झारखंड में बहुमत की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब वित्तीय वर्ष के खत्म होने में महज 2 महीने ही बाकी बच गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए आवंटित राशि का 31% ही अब तक खर्च हो पाया है। ऐसे में सरकार के सामने विकास के लिए योजना आकार में प्रावधानिक बड़ी राशि कहीं फिर से सरेंडर न करना पड़े, ये एक बड़ी चुनौती होगी। झारखंड में अरसे बाद किसी प्री पोल अलायंस की सरकार बनी है। 28 दिसंबर को रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक न तो कैबिनेट का विस्तार हो पाया है और न ही वर्तमान मंत्री पूरी तरह से अपना काम संभाल पाए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तय योजना बजट की 69% राशि कैसे खर्च हो पाएगी। योजना आकार 18,270 करोड़ की थी, इसमें से अभी तक सिर्फ 31% राशि ही खर्च हो पाई है। मुद्दा विकास से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष अब इस विषय पर सरकार को पूरी तरह घेरने के मूड में है। देखिए, अगर सक्षम मंत्री हैं तो 2 महीना में अच्छी राशि खर्च कर सकते हैं। 30% तो कम से कम कुछ 70-80% तो जरूर ले जा सकते हैं। लोगों के बीच में ये पूरा मैसेज चला गया कि सरकार से ये सरकार कुछ भी कर सकती है, निर्णय लेने के लिए कहीं रोक टोक नहीं है। और हमको लगता है ऐसी परिस्थिति में सरकार को पूरी तरह से हम कहेंगे कि 70-80% निश्चित रूप से खर्च करना चाहिए, ताकि जो बजट में प्रावधान है उनका लाभ यहाँ के झारखंड के निवासियों को मिल सके। वहीं सत्ता पक्ष इस विषय पर संजीदगी तो दिखा रहा है, मौजूदा सरकार भी वही उलाहने दे रही है जो पिछली सरकार दिया करती थी। उलाहना मैन पावर की कमी और कई तरह की मजबूरियों का है। ये बात बिल्कुल सही है कि 10 महीने तक 30-32% ही राशि खर्च होती है और 2-2.5 महीने में 70% राशि खर्च करनी पड़ती है सरकार को। अब ये 2.5 कैसे खर्च होगा, ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन अभी जो द्वितीय अनुपूरक आया, ये श्री रघुवर दास जी के सरकार की व्यवस्था थी, वो पूर्व के सरकार के वित्तीय दोष के का ही परिणाम है। अन्यथा हम तो मूल बजट चुनाव जीते हैं, सरकार बनी है, तो हमारी तो पूरी कोशिश थी कि हम मूल बजट पर जाते 2015-16 का। झारखंड में सरकार किसी की भी हो, साल दर साल योजना आकार को बढ़ाकर अपने पीठ थपथपाना एक परंपरा बनती जा रही है, लेकिन विकास के आड़े आने वाली कमियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर विचार नहीं किया जाता। ऐसे में राज्य का संपूर्ण विकास का वायदा करने वाली सरकार के लिए राहें आसान नहीं दिखती। झारखंड में साल दर साल जनहित के नाम पे योजना के आकार को तो बड़ा किया जा रहा है, लेकिन राशि खर्च करने के मामले में सरकार के हाथ तंग पड़ते दिखते हैं। ऐसे में नए सरकार के लिए कमियों को ढूंढकर वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित होने से बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। समय के लिए रांची से कैमरामैन अशोक के साथ सत्यजीत कुमार।